आप सभी भाइयों से मैं एक छोटा सा अपील करना चाहता हूँ, एक छोटा सा अपील कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो समझ लीजिए कि आप मेन पॉइंट आपने खो दिया, जो एंटरटेनमेंट का मेन पॉइंट है, जिस पॉइंट में आपको मज़ा आएगा वही पॉइंट आप चूक गए हैं। इसलिए आप एक एक पॉइंट आप देखते जाइए, एक एक सेकेंड देखते जाइए। अगर आपने भगा दिया तो समझ लीजिए कि जो सस्पेंस वाला लाइन है वो ख़त्म हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए पूरा भरपूर इंटरटेनमेंट करना है तो आपको भरपूर समय देना पड़ेगा इस वीडियो पर, और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। मैं छोटा सा अपील करता हूँ, एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, वादा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ऐसा वीडियो, ऐसा ब्लॉग वीडियो आज तक पूरे पूरे YouTube पर ऐसा किसी ने नहीं बनाया होगा। पूरे YouTube पे चैलेंज करता हूँ, ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखिए, यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा। हमने एक घंटे का जो ये वीडियो बनाया है, शायद हो सकता है कि मेरा वीडियो लास्ट भी हो। तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखें, भरपूर इन्जॉय लें। हमने आपके एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाया है, तो आपको अगर आपको पूरा एंटरटेनमेंट चाहिए, पूरा मज़ा लेना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और एक भी सेकेंड स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिए। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में मेरे भाई। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आइए अमुआ करब, एहन दिक्कत बा, यह दिक्कत बा, केम सूट कर पेब तू वीडियो किनारे चल किनारे। हाँ अरे पूरा यार क्या शरीरिया हमार, अब उतना दूर गई, यहाँ पर खड़े हो जाओ जी, कैप्चर करो हमको सही से। हाँ आ रहे हैं सही से, मुरा होता है, अरे मुर्ख था समूह आ रहा है, तो नीचे मत करोगे तुम, देखो अब सही आ रहे हैं। हाँ लोवर पहनने जा रहे हैं, लोवर इसे पहनने में बहुत आसानी होती है, इसे पहनने में बहुत आसानी होती है। जब हम इसे पहनते हैं तो बहुत आसान तरीके से पहन लेते हैं, और जब पहन लेते हैं तो हमारा शरीर भी क्या बहुत मजेदार शरीर जो है यार, लोवर है तो ढील ढाल शरीर शरीर में रहता क्या भाई। कहने मतलब ये है कि जब हम लोवर पहनते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं, जब लोवर पहनते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं, और लोवर बहुत अच्छे तरीके से पहन भी लिया जाता है। इसे पहनने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होती है। अभी मैं आपको पहन कर दिखा रहा हूँ, देखिए ऐसे टंगड़ी डालते हैं। टंगड़ी का मतलब ये है, टंगड़ी का मतलब ये है कि लोवर के ये जो है, यह लोवर का ये जो दिख रहा है, इसमें एक टांग डालेंगे। कितना आसानी से पहन लिए ना, फिर दूसरा टांग डालेंगे, मात्र दो मिनट में पहन लिए लोवर, मात्र दो मिनट में पहन लेंगे। कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। कलर कैसा है? कलर भी अच्छा है, लोवर और टी शर्ट का कलर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। अरे यार बोलो, कर रहा है। हाँ वही बोलना है, लेकिन अभी इसको नहीं पहनेंगे, हम जींस पैंट पहनेंगे, जींस पैंट पहन कर जाना है कहाँ, हम पार्टी में। लोवर निकालते हैं, जींस पैंट पहनते हैं अपना। इसके लिए अब नीचे से ऊपर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसे पहनने में बड़ा भैया दिक्कत होता है, कितना दिक्कत होता है पता चल जाएगा जब हम पहनेंगे तो। हाँ जब पहनेंगे तब पता चलेगा कितना दिक्कत होता है। हाँ अभी तो इसको उल्टा किए थे, जींस पैंट वक उल्टा किए थे, अब सीधा कर रहे हैं।
गली अभी दिखा रहे हैं, ऊपर बाद में जाएंगे, पहले नीचे पहने टांग है, ये पैंट का टांग है, जींस पैंट का टांग है, और ये मेरा टांग है। अब इसमें हम डालेंगे, क्या करी पहन नहीं पा रहा है जींस पैंट। वीडियो बना रहे हो? हाँ। फोन आ रहा है? यार वीडियो बना, यार फोन आ रहा है, आने दो उसे। ठीक है। तो ये दिक्कत था, ये दिक्कत हो रही है, जा ही नहीं रहा है, देखो यही तो है दिक्कत। यही तो है दिक्कत, यही दिक्कत होता है जींस पैंट पहन। यही दिक्कत है पहनने में। जींस पैंट पहनने में यही परेशानी होती है। लोवर पहने हैं तो कितने आसानी से पहन लिए हैं, मगर ये जींस पैंट पहनना इधर आ गया। जींस पैंट पहनते टाइम डांस करना पड़ता है, तब जाके जींस पैंट ऊपर आता है। फिर आ गया, इसे सही करना पड़ेगा। यही होता है, अब सही हो गया है। वाह, तो हमने युद्ध जीत लिया जींस पैंट पहनने का। से हमने जींस का पैंट पहन लिया, मगर इसमें बहुत ही समस्या हो रही है, परेशानी, बहुत दिक्कत हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसलिए दिक्कत हो रही है, गर्मी का महीना, और गर्मी के महीना में जींस पैंट नहीं पहनना चाहिए। काहे कि गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी तो अंदर नमी रहेगी, और अंदर नमी रहेगी तो खुजली दीना है भैया, यह बीमारी पकड़ेगा। तो इसलिए अब हम इसे निकाल रहे हैं, लोवर ही पहनेंगे। हाँ, लोवर ही पहनेंगे। जितनी समस्या इसे पहनने में हो रही है, उतना समस्या इसको पहनने के बाद होगी। हाँ, गर्मी ज्यादा होगी, हवा क्रॉस करेगा नहीं, शरीर में जाएगा नहीं, जब नहीं जाएगा तो भैया नमी रहेगी, खुजली खरगुलाहट बीमारी बहुत चाहते होगी। इसे निकाल रहे हैं, हाँ भैया लोवर पहनेंगे, लेकिन इतना आसानी से निकलेगा भी नहीं। जितनी परेशानी से पहने उससे कोई गुना परेशानी में भैया निकलेगा, काहे कि जींस पैंट है। अब इसे निकालने में हमको दिक्कत होगी, ऐसा है निकल नहीं पा रहा है ना, ये निकल ही नहीं पाएगा भैया, कहे कि ये जींस पैंट है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, पहनने को तो पहन लिए हैं, लेकिन अब निकलेगा नहीं। उल्टा कर देते हैं इसको, ऐसे निकलेगा, वैसे नहीं निकलेगा।
मगर ऐसे किए हैं तो निकल गया है, लेकिन ऐसे हाँ निकलेगा 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 निकलेगा। निकलेगा निकल गया, लेकिन अगर पैर हमारा भीगा रहता तो नहीं निकल पाता, क्योंकि ये जींस के पैंट उसी में चपक कर रह देता, चपका रहता, जब चपका रहता तो निकलने में और समस्या होती। गर्मी हो गया है और गर्मी हुआ है आपके पैर में, और उस टाइम आप अगर जींस पैंट निकाल रहे हैं तो नहीं निकलेगा, बहुत बड़ा समस्या क्रिएट करता है। हाँ, इसीलिए जींस पैंट पहने थोड़ा सावधानी से, और खासकर गर्मी में के महीना में तो इतना चुस्त पैंट पहने ही नहीं, लोवर पहने, तो हम चल रहे हैं लोवर पहन लिया। हाँ, लोवर पहन कर और चलेंगे अपने दोस्तों से मिलने खेत खलिहान में, फील्ड में घूमने चल रहे हैं लोवर पहन कर। ये लोवर चड्डी है, ये लोवर चड्डी है, ये लोवर चड्डी है, ये लोवर चड्डी है, हमारा लोवर कहाँ गया, लोवर चड्डी है, ये हमारा लोवर। ऐसे पहनने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, एक मिनट के अंदर इसे हम पहन लेंगे, एक मिनट के अंदर बस ऐसे टांग डालें और ऐसे खींच दिए, ऐसे टांग डालें ऐसे खींच दिए, ऐसे पहन लिए, फिट है बॉस। आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं, दोस्तों के पास चलते हैं और कुछ अलग क्रियाकलाप करते हैं, क्योंकि कपड़ा हम पहन ही लिए हैं तो पहने हैं और घूमने के लिए अब चल रहे हैं, जो भी दोस्त मिलेंगे उनसे कुछ टप टप होगा, बात होगा, हंसी मजाक होगी, उनके पास अब चलेंगे। लेकिन थक गए हैं, जींस के पैंट पहनने से थक गए हैं, थक गए, थक गए भैया, कट कर। ए, 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 सुनो, जैसे बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है ना, हाँ बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, वो साउंड इसलिए आ रहा है कि हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो बनाने जा रहे हैं तो लोग हमारी बात को सुनना चाहते हैं कि हम क्या क्या इस वीडियो में बउआएंगे, मतलब क्या बकबकाएंगे, क्या बकबकाएंगे, क्या आलतू फालतू बोलेंगे, ठीक ना। तो आलतू फालतू भैया का मतलब यही है कि हम खुद फालतू हो गए घर में, बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं तो वीडियो बना रहे हैं ताकि वीडियो चल जाए, वीडियो चल जाएगा तो शायद हो सकता है हमारा करियर इसमें बन जाए। तो भैया हम परेशान हैं, फालतू घर के नज़र में हम फालतू हो गए हैं, एकदम पागल हो गए हैं, बेरोजगार आदमी फालतू लगता है, भले ही बेचारा वो मेहनत करे जब तक वो सफल नहीं रहेगा। अरे साइलेंट रहो यार, देख रहे हो तुम लोग यार, वीडियो शूट कर रहा, तुम बीच में बोल रहे हो, मत बोलो ना, तुम लोग का साउंड आएगा तो ये बंदा वो तुम लोग का सुनेगा कि मेरा सुनेगा। अभी नीचे देखो सरनाटा आ गया है, सब कोई साइलेंट है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो सब लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। हमारे नीचे माता जी हैं, सिस्टर जी हैं, पिताजी भी हैं, पिताजी नहीं पिताजी खेते में है, बैठौनी का सीजन चल रहा है ना, तो बैठौनी कर रहे हैं, अभी वहाँ पर भी ले जाएंगे, बैठौनी का खेतों दिखाएंगे। ए यार फोन किसका, मत फोन करो, फोन मत किया करो, तुम कोई किसी को फोन मत किया करो, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने दो यार, सर दर्द कर रहा है। हाँ तो देखिए कलम, कलम ले लिया हूँ टॉपिक लिखने के लिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए मैंने कलम ले लिया है। तो भैया कैसे लिखूँ टॉपिक, कैसे लिखूँ, बीच में टॉपिक जो चल रही है, जो बीच में नहीं पीछे पीछे जो टॉपिक चल रहा है, क्या साउंड, साउंड का जो आ रहा है बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड से याद आया भैया, हमारा बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, पीछे का यार देख रहे हो ना दीवार, ये बैकग्राउंड का बात कर रहा हूँ। हाँ ओ मनी, मनी वाला बैकग्राउंड नहीं, उसको तो हम बना ही लेंगे एक ना एक दिन।
कमजोर जब कमजोर रहे बैकग्राउंड तो अपना मजबूत रखो साउंड, तभी सब लोग पीछे घूमेंगे राउंड। ये सुनो तो भैया, हम कलम लिए हैं टॉपिक लिखने के लिए। आपको भी लग रहा है कि हम फालतूगिरी कर रहे हैं, भैया फालतूगिरी नहीं कर रहे हैं। आप सुनिए, अभी आएगा आगे मजा है। हाँ आगे फोन आ गया ना, ये फोन आ गया, इसको आना जरूरी था। हम वीडियो बना रहे हैं, ये जरूरी नहीं था, फोन आना जरूरी था। भैया होल्ड। भैया हमने कट कर दिया, वो कंपनी से फोन आया था, 0016 लास्ट में था, तो हमको पता चल गया कि वो कंपनी का फोन है। तो भैया हम, ये हमारा रफ है, रफ कॉपी दिख रहा है, इसी पे हम लिखेंगे टॉपिक, किस पे वीडियो बनाना है, किस पे नहीं वीडियो बनाना है। फिलहाल अभी मैं शूट कर रहा हूँ, क्या शूट कर रहा हूँ यार, कुछ भी तो नहीं शूट कर रहा हूँ यार, अपने आप को शूट कर रहा हूँ। आइए, बोलते बोलते थक गया हूँ, थोड़ा सोने दीजिए हमको। तो अब मैं पसर गया हूँ अपने बिस्तर पे, तो बिस्तर पे पसर गया हूँ। ओ पीछे वो किताब दिख रहा है, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ। फिर से खड़ड़ भड़ड़ का आवाज आ गया यार, क्या यार, यही होता है। तो भैया इसी तरह पढ़ने वाला स्टूडेंट भी ऐसे ही डिस्टर्ब रहता है, और हमारे जैसा बेरोजगार आदमी तो डिस्टर्ब ऑलरेडी हमेशा रहता ही है। कहें कहें कि समाज का ताना वाना सुनता रहता है। का करता है भाई आपका लड़कवा, इतना दिन से कुछ, मतलब आप समझ रहे हैं ना, उखाड़ है, वो भोजपुरी भाषा है, मतलब उखाड़ पाया कि नहीं। तो भैया उखाड़ने वाली छोड़िए, किनारे छोड़िए, मतलब झंडा गाड़ पाया कि नहीं गाड़ पाया। अरे अभी तक झंडा नहीं गड़ेगा तो उखड़ेगा क्या। तो कहने मतलब यही है कि भाई साहब देखिए, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, हम सोने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं। तो देखिए भाई साहब, आप हमारा वीडियो देखने के लिए आए, अच्छी बात है। अभी कुछ देर बाद मैं बताऊंगा क्या करना क्या नहीं करना, अभी मुझे सोना है, मुझे सोने दो यार। यस, अभी दोपहर का टाइम है, गुड नाइट नहीं बोलूंगा, गुड आफ्टरनून बोलूंगा, गुड आफ्टरनून। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो आइए फिर से पगलाते हैं। हाँ, ओ कहने का मतलब हम यही कहना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं क्या बताएंगे आप, नहीं बताएंगे क्या आप, क्या बताएंगे, हम बता रहे हैं, अभी से तो बता ही रहे हैं, और कुछ बता देते हैं। नहीं, बताने से पहले हम थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। हाँ पूछ लेते हैं, कुछ पूछना जरूरी होता है। खाने का मतलब यही है कि आप सोने नहीं गए थे क्या, मतलब आप सोने नहीं गए, हम तो सो लिए, अपना नींद पूरा कर लिए, सपना को देख रहे थे हम, आंख बंद करके सपना में सपना को देख रहे थे। हाँ वो सपना, वो वाला सपना। हाँ तुम सर मैं हो, हम दोनों के बीच में कोई आया तो समझो मर गया, वो वाला सपना, सपना को देख रहे थे। अरे भाई सपना को देख रहे थे आंख मंद करके यार, तुम क्या यार कंफ्यूज हो गए क्या तुम। अरे भाई कंफ्यूज नहीं हुआ क्या करते हैं इंसान, जब बोले तो ध्यान से। अरे यार हंसी आ रही है, आप ध्यान से सुनो हम क्या करना चाह रहे हैं। आप जान जाना है, ये वाह सुन रही है ना, नहीं माँ नहीं सुन रही है, इस समय माँ सन्नाटा में है। अंजलि नहीं, अंजलि नहीं, सपना, ये सपना। अरे यार छोड़ो, जाने दो, मेन टॉपिक पे आते हैं। इस समय आप क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं। हम तो सो रहे हैं। अरे भाई साहब आप सो रहे हैं, आपको सोने बहुत सुख है। जिंदगी में अगर सबसे बड़ा कोई सुख है तो सोने में। आदमी देखिए देखिए इंसान को दो ही बार बहुत आनंद आता है, एक जब बहुत परेशान में हो,
मनुष्य सोच लगा है हागना होते, अगर प्रेशर में है तो भैया अगर वो बैठ जाए और धीरे धीरे हौले हौले जब उसका सोच निकले वो आनंद आनंद होता है। और उसके बाद नींद गहरी नींद में हो, नींद आ रही हो, बिस्तर ना मिले सोने के लिए, लेकिन अचानक कहीं बिस्तर मिल गया सोने के लिए, तो वो सुख सुख होता है। अच्छा भैया, जिस इंसान को नींद आता है उससे बड़ा अमीर इस दुनिया में कोई है या नहीं है? कोई नहीं अमीर है, उससे बड़ा अमीर कोई है ही नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति सोता है वो बड़े से बड़ा क्या जमीन जायदाद तो नौकरी मेहरारू सब खोता है जो व्यक्ति सोता है। तो यही कहने मतलब इतना बड़ा त्याग कोई कर पाएगा? सोने वाला व्यक्ति ही कर पाएगा। जैसे हम अभी देखिए बगलियम किताब रखे थे ना, आपको दर्शन कराए हैं ना, वैकेंसी आ गई है, सर पर मंडरा रही, लेकिन हम भी निश्चिंत हैं। हाँ, जब हमको मालूम है कि खेते में जाके सरसोईया उठाना है, हाँ बगलिया में लेबरी चल रहा है, लेबरी घोर बन रहा है। तो छोड़िए वो सब, छोड़िए वो, अभी तो मजाक चल रहा है ना, ऐसा है बहुत सो लिए, ठीक ना, बहुत सो लिए बीस। अब चलिए, अब आप लोगों को अपने सिवान को दर्शन कर, अपने सिवान का दर्शन करा रहे हैं, अपना खेत खलिहान दिखा रहे हैं। ये कहानी सुना रहा है आपको, खेत खलिहान से याद आया, कहानी सुना रहे हैं, सुनिए। शहर में हम गए थे हगने के लिए, हगने छोड़िए, हगने वाली बात ही है दिमाग में आया, वो वही बात वही आया था कि शहर हम गए थे, पहली बार शहर गए थे हम, तो शौचालय में हम जब गए तो शौचालय वाला पैसा मांग रहा था, तो हमने उसे पैसा दे दिया। बगलिया में एक चाचा जी थे भैया, गांव देहात से, वो भी आए थे भैया, उससे भी वो पैसा मांगा, कहा कि आप पैसा दीजिए। तो चाचा जी बोले कहाँ पैसा, कैसा पैसा, तो कह रहा है वो हागने के लिए पैसा दीजिए। तो चाचा जी बोले, मन बहुत गाली वाली थी, बोले कि तुमको हागने के लिए हमसे पैसा मांग रहा है, ऐसा है कि भैया तू हम आओ हमारे गांव, जितना हागना पूरा सिवान है, पूरा खेत खाले 10 एकड़ का खेत है, आओ नाच नाच के हागना, फरुआ ही करके हागना, जितना हागना हो हागना, धोना पोखरा खाना है धो लेना, 1 रुपया हमको मत देना, यहाँ तुम्हारा हिट्टी चुकी जगह है, मतलब इतना छोटा जमीन है उसमें हागने के लिए पैसा मांग रहे हो। हमको सुनकर भैया बहुत आश्चर्य हुआ, चाचा भी के चाचा जी के पास भी पॉइंट था, हगने के लिए कोई पैसा देता है क्या, आप ही सोचिए। हाँ आप भी ये महाराज सुनिए, हमारे पास टाइम फ्री है, मोस्ट हमारे पास भरपूर टाइम है, आप हमारा बात सुनिए, लोग आप सुन ही सकते हैं, बोल थोड़ी ना पाएंगे, आप सिर्फ हमको सुन पाएंगे क्योंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। हाँ बहुत करेंगे तो आप कमेंट में आकर जो कहना होगा कहेंगे, वही कहेंगे, मगर हम आपको देखने थोड़ी नहीं आ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, सुन पा रहे हैं आपको नहीं सुन पा रहे हैं, टाइम फ्री है तो सोचे हैं कि वीडियो बना लें, टाइम फ्री है तो सोचे हैं कुछ वीडियो बना लें। हाँ एक बात और बता देना चाहते हैं आपसे, बहुत वीडियो बनाए हम, बहुत वीडियो, हाँ बहुत वीडियो बनाए महाराज, रात भर जाग जाकर वीडियो बनाए, खेते खलिहाने सिवाने पर्वते, हाँ टावरे पे चढ़ चढ़ के, पेड़े पे चढ़ चढ़ के, बहुत वीडियो बनाए महाराज, जानते का हैं वायरल कराने के लिए, ताकि हमारा वीडियो वायरल हो जाए, हम वही स्टार बन जाए, तो लेकिन नहीं हो पाया, स्टार तो वही बनेगा ना जो हगेगा, जो हग रहा है और उसका हग्गल जो देखेगा, जिसे लगेगा कि हाँ यह स्वादिष्ट हग्गल है, क्वालिटी वाला हग रहा है, वो कीला बनाने वाला हग रहा है, लोग देख रहे हैं कि वो कैसे कैसे हग रहा है, कीला बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो देखो उसके हगने वाला वीडियो देखो, उनको कह रहे हैं जो देखने वाले हैं, आप तो नहीं देखेंगे वो वीडियो, देखते तो हमारा वीडियो कहाँ देखते हैं आप हमें सुनिए, बस सुनिए, अगर लग रहा है कि टाइम आपका बर्बाद कर रहे हैं तो भैया इसके लिए सॉरी, अभी वीडियो बंद कर दीजिए और चले जाइए, नहीं तो लग रहा है कि अगर हमारे वीडियो में सच्चाई है, अगर हम सही बोल रहे हैं तो सुनिए, टाइम निकाल के सुनिए, कहे कि वीडियो बड़ा लंबा जाएगा, भैया दिल का भाड़ा से आज निकालेंगे, दबा के निकालेंगे।
बहुत टेंशन में है हम भी बहुत। तो कहने मतलब यही है कि खेत खलिहान घुमाने वाले थे आपको ना, आइए आप खेत खलिहान भी घुमा दें, खेत खलिहान भी घुमा दें आपको। चलिए खेत खलिहान आपको घुमाते हैं। अरे अरे आप, अरे अभी तक आप लोग गए नहीं क्या? ओ कहाँ आप लोग जाएंगे, आप लोगों को तो हम ही घुमाने वाले थे खेत खलियान। सॉरी भाई लोग, सॉरी बड़का वाला सॉरी, उससे भी बड़का सॉरी, सॉरी यार, सॉरी सॉरी हैंड स्वान सॉरी सॉरी भाई। हाँ नींद लग गई यार, फिर सो गए छत पे, नींद लग गई तो क्या करें यार? नहीं क्या करें, नहीं छत पे, हाँ छत पर, छत पर सोए हैं तो छत से याद आया, गाना बनाया भैया, गाना बना है क्या? छत पर सोए थे बहनोई, अरे छत पर सोया था बहनोई, मन तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। हम यही कह रहे हैं, जब तुम्हें पता था कि छत पर बहनोई सोया है तो तुमको जाने की क्या जरूरत थी यार? जब गलती हो ही गया है तो राणा जी तो माफ करेंगे ही, उसके अलावा कर ही का सकते हैं। छोड़िए भाई, आइए आप लोग को चलते हैं फिर सिवान घुमाने, खेत खलियान घुमा देते हैं। खेत खलियान घुमाना है, खेती बाड़ी भी बहुत बढ़िया होती है, खेती जो होता है भैया सुकून वाला काम होता है, सुकून। हालांकि मैं सुकून से यहाँ पर सोया हूँ, हालांकि सोना नहीं चाहिए, खेती बाड़ी वाला काम है, बैठौनी बैठौनी रोपनी का सीजन है तो रोपनी कराना चाहिए हमको खेत में जाकर। पिताजी वहाँ पर रोपनी करा रहे हैं, हम यहाँ पर आकर सोए हुए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी हमारे हमारे बातों में खोए हुए हैं और हम आलसी बनकर फालतू बनकर अपने तख्ता और चारपाई पर सोए हुए हैं, सोए हुए बस सोए हुए। यार जमाई आ रहा है, जमाई नींद के बाद लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं, जैसा लगता है कि जमाई नहीं सुनी सटीक आवाज निकल रहा है। तो चलिए आइए ले चलते हैं, कहाँ जहाँ जाना चाहते हैं तहाँ आपको ले चलते हैं, माफ कीजिएगा गलती हो गई, राणा जी से नहीं आपसे गलती हो गई हमारी, कि हम आपको घुमाने वाले थे जहाँ पर आप जाने वाले थे, मगर हम आप लोगों को खेती खलिहानी में नहीं घुमा रहे हैं, अपने बात में घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं चारों ओर से घुमा रहे हैं, घुमाते घुमाते घुमा रहे हैं, इतना घुमा रहे हैं कि बस घुमा रहे हैं, जो घुमा रहे हैं उसी को घुमा रहे हैं। क्या घुमा रहे हैं? आप भी अपने दिमाग को घुमा रहे हैं और हम तो घुमा रहे हैं, क्या घुमा रहे हैं? आइए कुछ नहीं घुमा रहे हैं, चलिए जहाँ पर घुमाना है वहाँ पर ले चलते हैं आपको। चलिए अच्छा तो हम चलते हैं कहाँ? खेते खलिहान, बहुत मज़ेदार खेत खलिहान है भैया हमारा, आप देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या खेत खलिहान है, काश हम भी इस खेत खलिहान में घूमते हैं। अगर है तो कोई बात ही नहीं, खेत खलिहान में आप घूमते होंगे तो कोई बात ही नहीं, शहर में हैं शहर वाले भैया लोग, आप लोग जाते खेत खलिहान कहाँ घूमते हैं? आप तो पार्क और पीर्क में घूमते हैं, छोटा सा पार्क और पीर्क होता है, वहाँ पर तोता मैना आते हैं और प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का खेत खलिहान जो है
यहाँ पर तोता मैना उखियारी में जाते हैं प्यार मोहब्बत की बात करने, रहरी में जाते हैं रहरी में प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, तोता मैना पेड़ पर जाते हैं पेड़ 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 के पास बगीचा है वहाँ पर जाते हैं प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। हाँ भाई खैर छोड़िए जाने दीजिए ये सब फालतू बातें, इस पे हम लोग को ध्यान देना नहीं है, हमें क्या चलना है खेत खलिहान में चलना है, खेत खलिहान को घूमना, हमको आपको पोखरा दिखाएंगे, पोखरा हम आपको पोखरा दिखाएंगे, चाचा जी वाला पोखरवा जो चाचा जी बोले हैं ना पोखरा खाना है वैसे ही पोखरा आपको दिखाएंगे, खेत भी दिखाएंगे जहाँ पर हमारे गांव के लोग और हम लोग डिब्बा में पानी भर के इस खेत से उस खेत, उस खेत से इस खेत क्या करते हैं शौच करते हैं शौच, यहाँ चार भाई पांच का शौचालय नहीं होता है, यहाँ 400 बाई 600 का खेत होता है, चार चार एकड़ का पाँच पाँच एकड़ का दस दस एकड़ का प्लाट होता है जो आगे पीछे मेड़ घिरा रहता है, इस मेड़ पर से उस मेड़ पर जाइए, उस मेड़ पर से इस मेड़ पर आइए, और खेत में जाने पर भैया सोच करने का मजा ही कुछ अलग होता है, खेत में सोच करने का मजा ही कुछ अलग होता है, दोस्त के साथ डिब्बा में पानी लेकर ढोने का मजा ही कुछ अलग होता है, एक दोस्त उससे बात करता है वो दोस्त उससे बात करता है, सोच करते समय जो बात करने का आनंद होता है ना भैया वो गांव देहात के लड़कों से पूछिए कितना आनंद आता है कितना सुकून मिलता है, सारी राज की बात भैया सोच करते समय खुलता है, जब खेत में शौचालय करने जाते हैं गांव देहात के बड़े बुजुर्ग या बच्चे उसी टाइम मेन राज जो होता है दफन दफन जो राज होता है उसी टाइम खुलता है भैया, सब बात जो दिल में रहती है दिमाग में रहती है दबी रहती है सब राज उसी टाइम खुलता है, शौचालय करते समय शौचालय में बैठकर नहीं खेत खलिहान में बैठकर, तो ये खेत खलिहान का ये क्वालिटी होता है, आप भी कभी आइए और ट्रिक अपनाइए और अंदर के दिल में दबा होगा राज बाहर निकालिए, कभी आइए अपने दोस्तों के साथ हमारे खेत खलिहान में घूमने के लिए, तलवा तलैया पोखरा खलैया आइए, तो आइए लेकर चलते हैं आपको अपने खेत खलिहान में, आइए चलते हैं, चल ही तो नहीं पा रहे हैं भाई चल ही तो नहीं पा रहे क्योंकि हम सोए हुए हैं। हाँ बहुत हो गई फालतू बात, आइए चलते हैं खेत खलिहान, चलिए चलिए चलते हैं, आइए महाराज। इस तरह से भैया हम रोड पे निकल चुके हैं अपने खेत के लिए, हाँ देखिए रोड भी बहुत बढ़िया रोड है, बहुत स्पेशल, इतना अच्छा रोड है कि हमें झुलुआ झुला रहा है, ऊपर से नीचे कूदा रहा है, जैसे लग रहा है कि इस रोड में गिट्टी बालू गिट्टी गर्जन बालू ये सब नहीं लगा है, गिट्टी गर्जन नहीं लगा है, स्प्रिंग लगा है हमें कूदाने के लिए, इतना अच्छा रोड है कि इस पे आप चाय भी पी लेंगे, चाय छलकेगा नहीं, तो भैया ये रोड बहुत अच्छा, इतना अच्छा रोड तो स्विट्जरलैंड में नहीं मिलेगा, इतना शानदार रोड है। हाँ जो कहा जाता है कि दुनिया का स्वर्ग कौन है स्विट्जरलैंड, उस देश में भी इतना अच्छा रोड नहीं मिलेगा, क्यों दुर्गेश भाई? हाँ दिखा रहे हैं देखिए रोड कितना अच्छा रोड है, बहुत अच्छा रोड है इतना अच्छा रोड है क्या बताएं, तो हम चल रहे हैं अपना खेत खलिहान आपको दिखाएंगे, बहुत देर से हम आप लोगों को घुमा रहे थे अब नहीं घुमाएंगे, अब घूमते घूमते आपको खेत में ले जाएंगे अपना खेत दिखाएंगे, आइए देखिए इस तरह से हम भैया आप अपने खेत के लिए रवाना हो चुके हैं, अब हम कुछ ही देर में अपने खेत में पहुँचने वाले हैं, टूटे फूटे रास्तों के माध्यम से, हालांकि टूटा फूटा जो रोड था वो आप लोगों को हम दिखा चुके हैं, अब रोड देख चुके हैं तो अब हमारे खेत सिवान का चकरोट देखिए, अब जिस पे हम चल रहे हैं भैया ये चकरोट है, मतलब चौड़ा रोड इसे कहते हैं चकरोट, चकरोट कितना अच्छा नाम है, सुनते ही
लोग पता लगा लेंगे, कितना भी कोई गंवार रहेगा उसे पता चल जाएगा इसे किसे चक्रोट कहते, मतलब जो चाकर हो, भोजपुरी में चकरा कहेंगे चकरा, और हिंदी में कहेंगे चक रोड, मतलब चौड़ा रोड, हाँ जो भविष्य में बनने वाला होता है। तो जिंदगी में हमारे बहुत मोड़ आए भैया, बहुत मोड़ आए, देखिए एक मोड़ और आ गए हैं और उस मोड़ से हम घूम भी गए, देखिए एक मोड़ पीछे दिखाई दिया। तो अपने जिंदगी के मोड़ को तोड़ते हुए हम अपने खेत में पहुंच रहे हैं। देखिए आपके जिंदगी में बहुत मोड़ आएंगे, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, उस मोड़ को तोड़कर अपने मंजिल तक पहुंच जाना है। तो हम भी भैया मंजिल तक पहुंच रहे हैं, ठीक ना, मंजिल तक पहुंच रहे हैं चक्रोट के माध्यम से। भैया चक्रोट है तो हमें क्या कर रहा है, अपने खेत तक पहुंचा रहा है, तो हम अपने खेत तक पहुंच रहे हैं। इस तरह से देखिए पूरे सिवान में खेत ही खेत दिखाई दे रहा है, अभी बहुत से खेत में बैठौनी नहीं हुआ है, रोपनी नहीं हुआ है, कुछ देर बाद इन खेतों में रोपनी हो जाएंगी। ये जो सफ़ेद सफ़ेद खेत दिखाई दे रहे हैं कुछ दिन में हरा भरा दिखाई देने लगेंगे, हरा भरा दिखाई देने लगेंगे। देखिए मेरी जिंदगी में एक मोड़ और आ गया, अब इस मोड़ से भी हम निकलते हैं। हाँ एक मोड़ और आ गया, इस मोड़ के रास्ते से हम अपने खेत में पहुँचेंगे और जल्द ही हम अपने खेत का दर्शन आप लोगों को कराएंगे। हाँ उससे पहले हमारे खेत को, खेत से मिलने से पहले आप लोगों को एक पेड़ का दर्शन कराएंगे, जिस पेड़ के छांव में पूरे लोग क्या करते हैं, अपने आप को धूप से बचाते हैं। देखिए धूप बहुत तेज है भैया, धूप से क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। तो हम उस पेड़ को आप लोग को दिखाएंगे जिस पेड़ के छांव में सभी लोग अपने आप को बचाते हैं बरसात से, धूप से। तो इस तरह से भाई हम लोग क्या उस पेड़ के नीचे आ गए, जिस पेड़ के नीचे सभी लोग क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। सभी लोग उस पेड़ के नीचे अपने आप को बचाते हैं, धूप से बचाते हैं, बरसात से बचाते हैं। अगर यह पेड़ ना रहे तो किसी को सुरक्षा नहीं मिलेगी। पूरे सिवान में देखिए भैया यही एक पेड़ है, बाकी वो जो पेड़ दिख रहा है छोटा सा वो बहुत दूर है, वो जो बगीचा दिख रहा है वो भी बहुत दूर है। इस सिवान का राजा कोई है तो यही एक पेड़ है, और राजा का कर्तव्य होता है अपने प्रजा की सुरक्षा देना। तो यह पेड़ क्या कर रहा है, हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है। देखिए मैं पूरे सिवान को दिखा रहा हूँ, पूरे सिवान में कहीं आप लोग को पेड़ नहीं दिखाई देगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए पूरे सिवान में कहीं आप लोग को पेड़ नहीं दिखाई देगा, कहीं भी नहीं दिखाई देगा भाई। इस तरह से इस पूरे सिवान का राजा कोई है तो यही एक पेड़ है। इससे पहले भी मैंने अपने वीडियो में, सभी वीडियो में इस पेड़ का हमने दर्शन कराया है, मैं इसका महत्व समझता हूँ, इसलिए मैं अपने पूरे वीडियो में क्या करता हूँ, इसी पेड़ को दिखाता हूँ ताकि इसका महत्व बने रहे। देखिए पेड़ आप लोग को लगाना चाहिए, अभी हाल ही में 5 जून का क्या हुआ था, बस विश्व पर्यावरण दिवस था, तो सभी लोग दिखावटी क्या किए पौधा लगाएं, लेकिन वो पौधा आगे चल के बड़ा होगा कि नहीं होगा, हरा भरा होगा कि नहीं होगा, उसे किसी को मतलब नहीं था। सब लोग सिर्फ सेल्फी लेकर फोटो खिंचा कर फेसबुक पे डाल दिए, व्हाट्सअप कर दिए। धूप भैया देखिए धूप इतना तेज है कि धूप से बचने के लिए हमें भी इस पेड़ के नीचे छहाना पड़ रहा है, छिपना पड़ रहा है, लुकाना पड़ रहा है ताकि धूप हमें ना लगे। धूप लग जाएगा तो भैया हम उलट जाएंगे तो कोई हमें उठाने वाला नहीं है इस सिवान में, हाँ अकेले हम ही हैं। तो भैया धूप से बचने के लिए थोड़ा बहुत छहा जाएं, थोड़ा सा आराम करना जरूरी है, फिर उसके बाद हम आप लोग को अपने खेत में ले चल रहे हैं, जरूर अपना खेत दिखाएंगे। हमारा खेत इतना स्पेशल खेत है, इस पूरे खेतों से सबसे ऊपर हमारा खेत है, ऊपर मतलब सच में ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, क्योंकि हम जहाँ पर आए हैं ताल है, मतलब बहुत ज़्यादा खाल है, तो खाल से ऊपर हमारा खेत है, ठीक ना। और खेत का क्या हालचाल है, जहाँ पर आए हैं बहुत खाल है, यही तो ताल है, और हमारे खेत का क्या हालचाल है आप लोग को दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे, थोड़ा आराम कर लें, आइए बैठते हैं। अरे भाई क्या है ये देखिए, अच्छा भैया बेवड़ों का कोई तोड़ नहीं, जहाँ देखिए तहाँ बेवड़ा कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं सब, यहाँ पर भी देखिए पूरे सिवान में अकेले पेड़ है तो इसके नीचे भी बेवड़ा आकर क्या किए हैं, सब दारू पिए हैं, सब आपको दिखा रहे हैं दारू का बोतल भी, देखिए पता नहीं कौन मिस्त्री या कौन फिस्त्री है, कौन क्या लिखा है, किशमिश सौंफ, इस पर लिखा है किशमिश सौंफ,
ये दारू है, दारू नहीं पीना चाहिए, सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। अच्छा एक फिल्म में गाना आया, लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूँ। अच्छा भैया हाथ में बोतल लिए हो शराब का, तो लोग क्या तुमको डॉक्टर कहेंगे? टानी का बोतल लिए हो, शराब लिए हो तो लोग शराबियन कहेंगे, हाँ डॉक्टर नहीं बोलेंगे? कि हाथ में दूध लिए हो कि तुमको लोग ग्वाला बोलेंगे, दूध बेचने वाले बोलेंगे? कि हाथ में चाय का गिलास लिए हो लोग चाय वाला बोलेंगे? शराब लिए हो तो लोग शराबिया बोलेंगे? थोड़ा सही गाना बनाओ आ सही समझाओ, ठीक ना? देखने वाला पब्लिक बेवकूफ़ नहीं होता, मूर्ख नहीं होता, तो छोड़िए जाने दीजिए, हट। हाँ हम कह रहे हैं यही कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब सेहत के लिए हानिकारक होता है। चलिए हम आप लोग को अपना खेत का दर्शन कराते हैं, बहुत हो गया, चलिए आते हैं। उससे पहले हम अपने साइकिल में ताला मार लें, क्योंकि भैया जब जब दूर अपने से दूर रखा हूँ अपने साइकिल को, लोग हमसे दूर कर दिए हमारे साइकिल को, चोरी हो चुका है साइकिल हमारा, इससे पहले चोरी हो चुका है। उस पर पहले हम वीडियो बनाते थे, वीडियो बहुत अच्छा बनता था, फिर हमको दूसरा साइकिल खरीदना पड़ा है भैया, यही तंगी में भैया हमारा साइकिल चुरा लिए सब, इसलिए हम अपने साइकिल में ताला मार दे रहे हैं सेफ्टी के लिए, नहीं तो हमारा यह साइकिल चोरी हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारा खेत बहुत दूर है, पैदल जाना पड़ेगा, साइकिल जा नहीं पाएगा, क्योंकि खेत अब नहीं चल पाएगा साइकिल, वो चक्रोट खत्म हो गया जिस चक्रोट के माध्यम से हमारा यह प्यारा साइकिल चल रहा था, तो इसलिए हम पैदल चलेंगे अपने खेत में, क्योंकि ऊंचास भी है थोड़ा, हमारा खेत ऊंचास है तो ऊंचे स्थान पर साइकिल चलाने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि मेड़ बहुत पतला पतला है, ठीक ना? हाँ तो ताला मार दें, बहुत बढ़िया है, ताला लग गया है, अब कोई हमारा साइकिल नहीं चुराएगा। हाँ वो अलग बात है कि टांग कर बाहुबली जैसा टांग कर ले चला जाएगा, वो अलग बात है। तो चलिए हम अपने खेत का दर्शन कराते हैं। हाँ भैया बहुत धूप था, थोड़ा बहुत छांव लिए हैं, अब हमको दिक्कत नहीं है, छांव हो गया है, धूप में थोड़ी नमी आ गई है। हाँ देखिए धूप की वजह से हमारा चेहरा भी सही से नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ अब दिखाई दे रहा है ना भैया, बहुत तेज धूप है, बहुत तेज। टोपी नहीं पहन पा रहे हैं, भूल गए हैं, सॉरी मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है कभी कभार बोलने में, तो माफ़ कीजिएगा। तो धूप बहुत तेज है, ये कह रहे थे धूप बहुत तेज है, हम अपने खेत का दर्शन कराएंगे। दूसरे किसी का खेत है या मत सोचिएगा, हमारा खेत ऊंचाई सभी खेत पे दिखा रहे हैं, अपने खेत का दर्शन कराएंगे, ले चल रहे हैं। एक समस्या हो गया भैया, बहुत बड़ा समस्या हो गया। आई देखिए लंगड़ा रहे हैं, पुष्पराज जो बने हैं ना, पुष्पराज बनने का एक कारण है भैया, खेते मेड़े मेड़े चलने के वजह से हमारा भैया चप्पल में टूट गया, चप्पल हमारा टूट गया भैया, अब तो हमारा बहुत बड़ा समस्या बढ़ गया। कहा कि भैया ये इधर कहीं कंकड़ पत्थर मिल गया पैर में, बहुत तेज गड़ेगा, चुभ जाएगा, क्योंकि इधर डोका डोकी बहुत ज्यादा होता है, अगर डोका डोकी फूटा मिल गया तो पैर में बहुत खतरनाक क्या कर देगा, घाव कर देगा। अब तो हम बन गए भैया पुष्पराज, सच में देख रहे हैं पुष्पराज बन जाएंगे, वो तो गाना में पुष्पराज बना था, हकीकत में पुष्पराज बन जाएंगे, जब पैर में कांटा चुभता है तो लोग पुष्पराज बनते हैं, हाँ सही से चल नहीं पाते हैं, लंगड़ाते हैं। तो भैया अब तो हम लंगड़ाएंगे लग रहा है, अब लंगड़ाएंगे ही। इस तरह से भैया हम खाले से अब ऊंचे चल रहे हैं, खाले से ऊंचे चल रहे हैं पहले। हाँ तो ये पोखरा मिल गया, हाँ पोखरा पर हम चढ़ गए हैं, चूँकि पोखरा के नीचे ही हमारा खेत है। हाँ भैया पोखरा पे आ गए हैं, पोखरा बहुत गहरा है भैया, बहुत गहीर है, हाँ बहुत गहरा पोखरा है, चप्पल तो टूट गया हमारा, समस्या बढ़ गई, अब दिक्कत में हम आ गए हैं। आइए चलते हैं अपने खेत के पास, हाँ अपने खेत के पास चलते हैं, चलिए दिखा देते हैं अपना खेत, अपने खेत के पास चल रहे हैं। हाँ आइए, ये यादव जी हैं, हाँ हमारे गांव के यादव जी हैं, बहुत अच्छा दूध देते हैं, ये नहीं दूधवा देते हैं, मतलब भैंसिया दूध देती है तो ये दूध बेचते हैं, ओरिजिनल दूध देते हैं, मतलब दूध में पानी नहीं मिलाते हैं, वो यादव हैं, हाँ दूध देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुद दूध देते हैं, मत सोचिएगा। क्यों यादव जी, ये हमारा चप्पलवा टूट गया हमारा, बहुत बड़ा समस्या बन गए हम, चलिए थोड़ा अपना खेत का दर्शन कराते हैं आप लोग, चलिए चलिए खेत का दर्शन कराने वाले हैं, एकदम ऊँचा से जगह पर आ गए, अब खेत ही मिलने वाला है। हाँ आइए, तो यही है भैया ताल जो दिख रहा है, बहुत खाल,
और हम अपने खेत के पास आ ही गए हैं। कुछ ही सेकंड में हम अपने खेत में उतर जाएंगे, मात्र 5 सेकंड में हम अपने खेत में उतर जाएंगे। एक बार और दिखाते हैं कि इसी को कहा जाता है ताल, जो दिख रहा है बहुत खाल। और हम अपने खेत में कितने सेकंड में उतरने वाले हैं? 5 सेकंड में। काउंटिंग कीजिए, 1, 2, 3, 4 और ये ले देकर 5। यही हमारी धरती माता है। धरती मेरी माँ। सुनील सेट्ठी सर जी कहते हैं ना, सुनील सर कहते हैं ना कि ये माँ, ये धरती मेरी माँ, इसने मेरे माँ को गाली दिया। ये तो यही धरती मेरी माँ है, यही हमारा खेत है, जिसका सीना चीर कर हम अनाज उगाते हैं। और वही अनाज हमें क्या करता है? हमें उगाता है, मतलब हमें बड़ा करता है, हमें जीवित रखता है, हमें तैयार करता है। हम फसल को तैयार करते हैं, फसल हमें तैयार करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेत हम सबको तैयार करता है। तो हमें अपने खेत और अपने ज़मीन का क्या करना चाहिए? इज्जत करना चाहिए। तो यही हमारा खेत है, देख लीजिए। और ये देखिए ऊंचास, ये देखिए मेड़ है ना, ये हमारे पिताजी से बांधे हैं अपने जांगर के दम पे, इतना ऊंचा मेड़। देखिए दिखाई दे रहा है ना, इतना ऊंचा मेड़ है। उसके पीछे देखिए पोखरा में पानी दिख रहा है, फिर उसके नीचे हमारा एक खेत है। ठीक, ये हमारा खेत है, जितना जुता हुआ है ये सब हमारा खेत है। हाँ, अब और हमारे खेत के देखिए, ये इस मिट्टी में और ताल के मिट्टी में अंतर दिखाई देगा, क्योंकि हमारा ये खेत क्या था? खाल था। तो इसे भराया गया है, तो जब भरवाया गया तो खेत क्या हुआ? ऊंचा हो गया है। तो दिखाते हैं आपको, खाल वाला खेत दिखा रहे हैं आप लोग को, खाल ले भी ले चलने। देखिए खाल वाला मिट्टी दिखा रहे हैं, खाल वाला मिट्टी बहुत काला है। देखिए वो जो दिख रहा है ना पीछे, वो खाल है, खाल है, वही ताल है, और ये क्या है? ऊंचा है। देखिए उससे ऊंचा दिखाई दे रहा है ना, ये मेड़ है, और ये क्या है? ताल है, और ये क्या ऊंचा? हमारा खेत है। तो इस तरह से हमारा खेत का आप दर्शन कीजिए, आ गए हमारे खेत में। अब हम चढ़ रहे हैं पोखरा पे। हाँ, ये हम पोखरा पे चढ़ रहे हैं। आइए, इस तरह से देखिए जो पेड़ दिख रहा है, उसी पेड़ के नीचे हम अपना साइकिल रखे हुए हैं। देखिए कितना दूर हम लोग आए हैं, कितना दूर हम लोग आए हैं, देख लीजिए। वही जो पेड़ दिख रहा है, उसी पेड़ के नीचे हमने अपना साइकिल रखा है। देखिए कितना दूर है हम लोग, बहुत दूर आ गए हम लोग। और ये देखिए, यही इसी को ताल कहा जाता है, देख लीजिए, इसी को ताल कहा जाता है। ये देखिए पोखरा, ताल, चूंकि ताल में बहुत ज्यादा क्या होता है? पोखरा होता है, क्योंकि ताल होता है खाल, और उसी खाल में मिलता है मछली भरा माल। इस तरह से आपको हमने दिखाया ताल, जो छोटा छोटा दिख रहा है खाल, मतलब छोटा छोटा गड्ढा दिख रहा है। देखिए चारों तरफ गड्ढा गुड्ढी है। हाँ, यही है ताल, इसी को ताल कहते हैं। यह है ताल की पूरी खूबसूरती, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, यही ताल की खूबसूरती है, जिसका दर्शन हम आप लोगों को कराने वाले थे। और इस ताल की एक खूबसूरती और है कि पूरे ताल में एक ही मकान है, और उस मकान में रहने वाले वही बाबा जो दिख रहे हैं, जो लाठी लेकर आ रहे हैं, वही हैं। हाँ, यह मकान खुद का है, इनका है। और इस मकान को बने रहने से एक फ़ायदा यही है कि बहुत लोग यहाँ पर आते हैं और छहाते हैं, बरसात से और धूप से बचते हैं, अपना बचाव करते हैं, इसकी खूबसूरती यही है। यही कहा जाता है नेचुरल ब्यूटी, ट्रू ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी इज द ट्रू ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य ऐसे यही कहा जाता है। पोखरा पोखरी, गड्ढा गुड्ढी, खाल ऊंच, यही सब दिखाई देता है इसमें, इसी को ताल कहते हैं।
इस तरह से सभी लोग छहा रहे हैं इस पेड़ के नीचे। देखिए कुछ भैया लोग भी आए हैं, चारपाई पर बैठे हुए हैं और बाबा भी बैठे हुए हैं, जो इनको छहाने का एक क्या एक स्थान बना दिए हैं। हाँ, पेड़ भी लगा दिए हैं और मकान भी बनवा दिए। आइए आराम से छहाइए और अपना भैंस चराइए। हाँ, नल भी लगवा दिए हैं पानी पीने के लिए, मतलब सब टोटल व्यवस्था। और नल के पानी से पेट नहीं भर रहा है तो इन्होंने पोखरा खनवा दिया है, डुबकी लगाकर पानी पीजिए। हाँ, नहाइए, पानी पीजिए और छहाइए। हाँ, बड़ी कड़कती धूप में अपने आप को बचाइए, अपना शरीर को शीतलता पहुँचाइए। तो इस तरह से इन्होंने सभी चीज़ का व्यवस्था कर दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, हाँ, सब्जी भी लगाए हैं। हाँ, खाने पीने का भी अपना व्यवस्था कर दिए हैं। ये भी एक ताल का राजा है, जैसे वो पेड़ बताए ना कि पूरे सिवान का राजा वही एक पेड़ है, वैसे पूरे सिवान का राजा भी यही है। हाँ, इस पूरे ताल का और इस पूरे सिवान का राजा यही है। सब कोई आता है यहाँ पर, अपना आश्रय स्थल समझता है, यहाँ पर आश्रय अपना क्या है, यहीं पर आकर छाते हैं, आश्रय स्थल है यह। कुछ बोलेंगे, आपको कैसा महसूस होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर। बोलिए। गांव भर गांव पर के आदमी आकर के यहाँ जो है कि आराम करने का ना, बहुत स्वतंत्र बड़ा, बहुत स्वतंत्र जगह ही बाटे। हाँ, ना किसी से टेढ़ी न मेढ़ न केहू के अदगोई न बदगोई किसी का बात नहीं, इसलिए यहाँ पर बहुत स्वतंत्र है। बाबा कह रहे हैं कि सिवान में, मतलब पूरे सिवान में अकेले रहने में एक फायदा यह है कि आप किसी की चुगला ही नहीं कर सकते हैं। अकेले रहिए, अपने मस्त रहिए, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने से मतलब रखिए, अपने घर से मतलब रखिए। और अध्यात्म की शक्ति अकेले में ही प्राप्त होती है। जितना जानकारी इनके पास होगा, शायद ही आपके पास कोई जानकारी, आप किताब भी पढ़ लेंगे तब भी इतना जानकारी एकत्रित नहीं कर पाएंगे जितना ये जानकारी एकत्रित किए इस सिवान में अकेले रहकर। जिस तरह से महात्मा बुद्ध जंगल में गए थे, ज्ञान की प्राप्ति किए थे, उसी तरह समझ लीजिए कि यह बाबा हैं। एक तरह से तो यह मतलब बुजुर्ग हैं, पूरा अनुभव इनके पास है। और उसमें अनुभव और बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है, एकांतवास कर लिया है, मतलब एकांत में रह रहे हैं। तो नॉलेज का भंडार है, ज्ञान का इनके पास भंडार है, अनुभव का भंडार है। वही पहले के जो राजा महाराजा, वो जो बुजुर्ग हो जाए तो अपन घर दुबार अपने बेटा के सौंप दें, राज रियासत दे दें। हाँ। और जाके पहाड़ पर अपन आश्रम ले लें, अपन वहीं जाके तपस्या करें, एकांतवास करें। तो आप लोग खुद समझें, सुने, और भी कुछ सुनना चाहते हैं तो आप लोग सुनिए, बहुत कुछ बताएंगे कैसा महसूस होता है यहाँ पर रहने पर, कितना अच्छा लगता है। देखिए, इन्हें अच्छा लगता है यहाँ पर, अच्छा लगता है तभी तो यहाँ पर बहुत लोग आए हैं, और ये लोग भी बताएंगे। देखिए, आराम कर रहे हैं सभी लोग छाँव में, पेड़ के छाँव में। क्यों चाचा जी? नहीं, सही है। हाँ? सही है एकदम। यहाँ पर जो हवा मिलती है, सुख मिलता है, यहाँ के वातावरण के विषय में कुछ बताइए। यहाँ के वातावरण के विषय में बताइए, भ्रष्टाचारी बजा। हाँ, बताइए यहाँ के वातावरण पर जो सुख मिलता है, जो हवा मिलता है, सन मिलती है, शहर में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, सही बात है। जो एकांत जगह में मिलता है वो शहर में नहीं मिलेगा। शुद्ध वातावरण यही है। जितना बीमारी पैदा होती है सब शहरों में ही पैदा होती है, यहाँ पर कोई बीमारी यहाँ तक आ ही नहीं सकती है। बहुत बढ़िया, यहाँ प्रदूषण है, यहाँ पे जो माता है, यहाँ प्रदूषण का रिश्ता तो दूर दूर का यहाँ पर है, यहाँ पर उसका कोई है ही नहीं, कोई रिश्तेदार उसका है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ का कोई वातावरण नहीं कर सकता है, यहाँ पर जैसी हवा मिलती है, सुख मिलती है, शांति मिलती है, हर एक बुजुर्ग से मुलाकात होती है, हर एक ज्ञान मिलता है। अकेले में आई, अपने आप से बात कीजिए, छोटे बड़े सबसे यहाँ जब मुलाकात होता था, यहाँ खाली नहीं गला। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर एकांतवास में आने, बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि आप स्वर्ग में आ गए। वाकई में ये स्वर्ग है, ये जगह देखिए आप लोग, कितना अच्छा लगता है। देखिए पूरे सिवान एकदम अकेल, कोई नहीं है। आप यहाँ पर पोखरा से बात कीजिए, पेड़ से बात कीजिए, और चिड़िया चहचहा रही है, इनसे बात कीजिए। आप कुछ कहेंगे? आप भी कुछ बोलिए, दो शब्द कुछ बोलिए। यहाँ पर आने पर आपको क्या लगता है? यहाँ पर आने पर बहुत बढ़िया हवा मिलती है, शरीर एकदम सुख में रहती है, और क्या, इससे बड़ा कौन चीज है। वाह, मतलब एक व्यक्ति जो भी काम करता है किसके लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए, तो पूरा सुख यहाँ पर मिल ही जाता है। यहाँ पर एकांतवास करने में, यहाँ पर आने में सब सुख यहाँ पर मिल जाता है।
कोई टेंशन नहीं, कोई पारिवारिक कोई टेंशन, सामाजिक टेंशन, पारिवारिक टेंशन, कोई टेंशन नहीं, आप सब टेंशन भूल जाएंगे अगर आप यहाँ पर आ गए तो। यह है यहाँ का वातावरण। भैया हम अपने साइकिल के पास पहुँच रहे हैं, इस तरह से हम अपने साइकिल के पास पहुँच रहे हैं और पेड़ जो दिख रहा है इसी पेड़ के नीचे हमारा साइकिल भी है और हम अपने साइकिल के पास पहुँच रहे हैं। तो हमने पूरे ताल का सैर कराया, अपने खेत का सैर कराया और बड़े बुजुर्गों से भी हमने क्या किया, बात कराया, उनके अनुभवों को जाना कि वो लोग अकेले में रहने पर क्या फ़ायदा होता है, एकांतवास करने पर क्या फ़ायदा होता है, हमने उनसे मिलवाया। देखिए पेड़ों में राजा इसे कहेंगे, पूरे सिवान में पेड़ों का राजा यह है, उसी तरह पूरे सिवान का राजा वो थे कौन, बाबा जिनका हमने आपको दर्शन कराया, जो बूढ़े बाबा थे उनका हमने दर्शन कराया, वो क्या है, पूरे सिवान का राजा वो है, क्योंकि अकेले पूरे सिवान में वही रहते हैं। पेड़ों का राजा यह है तो पूरे इंसान में राजा कोई है तो हमारे वो बाबा हैं, क्योंकि राजा इसलिए क्योंकि उन्होंने क्या किया है, हमारे छहाने का, हमारे सुरक्षा का उन्होंने क्या किया, दायित्व तो संभाल लिया, दायित्व तो इस प्रकार संभाला कि घर बनवा लिए हैं, घर बनवाए हैं तो हम लोग बरसात और धूप से बचने के लिए क्या करते हैं, उनके घर में हम लोग क्या करते हैं, आश्रय लेते हैं, हम उनके मठ पर पहुँचते हैं, मठ ही है भाई, वो मठ ही है, स्थान जो है उनका मठ ही है, वहाँ पर हम लोग जाते हैं, छहाते हैं। तो एक प्रकार से वो क्या है, राजा हैं जो अपना फर्ज निभा रहे हैं, प्रजा का सेवा कर रहे हैं, मतलब हम लोग का सेवा कर रहे हैं। और सही बात बताएं तो गांव का वो क्या है, प्रधान भी रह चुके हैं, मुखिया भी रह चुके हैं, हाँ बहुत समय पहले वो मुखिया भी रह चुके हैं गाँव का, और उनका बेटा जो है वर्तमान में प्रधान है, गाँव का प्रधान है, बहुत अच्छे हैं, व्यवहारिक पुरुष थे वो। तो इस तरह से हर व्यक्ति को यही करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, पूरे सिवान में पेड़ लगाना चाहिए, पूरे सिवान के मतलब खेत में, अपने खेत में पेड़ लगाना चाहिए, ताकि मच्छी अपने लिए नहीं तो कम से कम चिड़ियों के लिए लगाइए, ताकि चिड़िया क्या है अपने घोंसला, घोंसला क्या है बना सके, वो अपना मकान बना सके आपके पेड़ पर। तो इस तरह से हमारा वीडियो ख़त्म हुआ, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तब भी शेयर कीजिएगा, बस शेयर कीजिएगा, कहने का मतलब यही है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और माँ काली आपके परिवार को खुश रखे, संपन्न करे, आपको आगे बढ़ाए। तो सो गए क्या, नींद आ रहा है तो सो रहे हैं आप, ठीक है सो जाइए, मगर आप तो कह रहे थे कि वीडियो का खत्म हो गया। क्या भाई आप भी कमाल हो यार, अभी भी आप वीडियो हमारा देख रहे हैं क्या, अभी भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, अरे भाई सोने दीजिए हमको, सो लेने दीजिए, अपने सपनों में हमको खो लेने दीजिए, और जिंदगी में क्या क्या करना है वो अरमान दिमाग में बो लेने दीजिए, अरे हमको अपने सपनों में खो लेने दीजिए, सो लेने दीजिए। तो अभी भी आप हमारा वीडियो देख ही रहे हैं, अरे भाई बोल तो दिए ना कि हमारा वीडियो ख़त्म हो गया है, वीडियो ख़त्म हो गया है, सलाम बोल दिए हैं, जय हिंद बोल दिए हैं, फिर भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके मतलब ये है कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, अच्छा लगना चाहिए, अच्छा वीडियो अच्छे लोगों को ही अच्छा लगता है और गंदा वीडियो तो गंदे लोगों को ही अच्छा लगता है। तो छोड़िए, जाने दीजिए, दूसरों की बात नहीं करेंगे हम, अपना बात करेंगे। तो देखिए भाई आप इतने देर तक हमारा वीडियो देखें, बहुत बहुत धन्यवाद, जबकि ये बात हम दो बार बोल चुके हैं कि हमारा वीडियो ख़त्म हो गया, हालांकि ख़त्म हो नहीं रहा है, समय बढ़ते जा रहा है और बढ़ते बढ़ते समय पता नहीं कहाँ तक बढ़ते चला गया, अभी कितना बढ़ते जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल सच में बोल रहा हूँ, बिस्तर पे गिरा हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता है, सत्य बोलता है कि सच में हमारा वीडियो ख़त्म हो गया है भाई, वीडियो शूट करना बंद कर दिए हैं हम, ये लास्ट टाइम है, सच में वीडियो ख़त्म हो गया है, जाइए भाई आप अपना पढ़ाई कीजिए, अपना काम कीजिए, अपना वर्क कीजिए,
इतना देर तक समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वीडियो शूट करना बंद कीजिए। ओह वीडियो बंद करना है, पहले ही सो जा रहे हैं, वीडियो भी तो बंद करना है, शूट वीडियो शूट हो रहा है उसे बंद भी करना है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो मैं यही कहूँगा कि आप फिर से जाइए और पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए, बारीकी से देखिए, एक एक सेकेंड देखिए, क्योंकि प्रत्येक पार्ट में मजा ही मजा है, सस्पेंस ही सस्पेंस है, पंच ही पंच है। जब आप पूरे वीडियो को आप बारीकी से देखेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत ही मज़ा आएगा।